बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैंपलिंग को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने पहले देखा कि एक है पॉपुलेशन, यानी कि टोटल नंबर जो है, और एक है सैंपल। फॉर एग्जांपल कि आपने साइज चेक करना है शूज का, कि लोगों का एवरेज साइज क्या है। तो जो सारे लोग हैं आपने पूछना है, यानी कि मीरपुर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हो गई, उसमें से आप 1,000 बंदे को सिलेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, सैंपल हो गया। अब इस सैंपल की बेस पे हमने कंक्लूजन किया जी के 20% जो है उनका साइज 9 है, 30% जो है उनका साइज 4 है। तो क्या एक्चुअली भी ऐसा ही है? तो ये मेरे सामने एक इशू आ गया कि जो मेरा सैंपल है, जो मैंने सैंपल सिलेक्ट किया है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है या नहीं है। यानी कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि मैंने 100 बंदों से पूछा कि कितने लोग स्मोकर हैं, तो उसमें से 40 स्मोकर थे यानी कि 40%, और 60 नॉन स्मोकर थे यानी कि 60%। अब अगर टोटल पॉपुलेशन है 20,000, तो होना ये चाहिए कि उसमें से 40% स्मोकर होने चाहिए यानी कि 8,000, और 60% यानी कि 12,000 जो है वो नॉन स्मोकर होने चाहिए। 20,000 का मैंने 40% लिया, तो वो मेरे पास क्या आ गया, 8,000, और 20,000 का मैंने 60% कैलकुलेट किया, तो वो मेरे पास क्या आ गया, 12,000। अब ये जो सैंपल है, इसकी बेस पे मैंने अंदाजा लगाया कि पॉपुलेशन जो है टोटल, उसमें से कितने लोग स्मोकर हैं और कितने नॉन स्मोकर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकया ही ऐसा है या ऐसा नहीं भी होता। तो अब हम क्या करते हैं, सैंपल की बेस पे हम एस्टीमेट लगाते हैं किसका, पॉपुलेशन का। तो अब हम आगे चलते हैं जी, जो हमने अभी चीजें डिस्कस करनी है। तो बेसिक इशू ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने जो सैंपल सिलेक्ट किया है, क्या वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता भी है या नहीं करता। अगर वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो जो मैं नतीजा अखज करूंगा, जो कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है जी पैरामीटर, अ मेजर रिलेटिंग टू अ पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मॉड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है, जो किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन से, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर। यानी कि मीन ऑफ पॉपुलेशन इज अ पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन। पैरामीटर वो जो भी चीज आपने मेजर की है, उसको आप क्या कहेंगे, पैरामीटर। लेकिन यही चीज जब हम मीन सैंपल का कैलकुलेट करेंगे, मीडियन सैंपल का कैलकुलेट करेंगे, या मॉड सैंपल का कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक, अ मेजर रिलेटिंग टू अ सैंपल। तो इन सिंपल वर्ड्स क्या हो गया कि कोई भी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं पूरी पॉपुलेशन की, उसको हम स्टैटिस्टिक की टर्म में, स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट की टर्म में पैरामीटर कहते हैं, और कोई भी वैल्यू जो हम सैंपल की कैलकुलेट करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो अब स्टैटिस्टिक की बेस पे हमने क्या करना है, इन्फ्रेंस, नतीजा अखज करना है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है, ड्राइंग अ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल। जैसे मैंने एक सैंपल सिलेक्ट किया, उसमें मुख्तलिफ लोगों की एज थी, तो मैंने कहा कि एवरेज एज जो है वो है 25 ईयर्स। एवरेज एज कितनी है जी, 25 ईयर्स।
ईयर, लेकिन ये कंक्लूजन मैंने किसकी बेस पे किया, सैंपल की बेस पे। तो मैंने स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया और उसकी बेस पे कंक्लूजन ड्रा ये किया कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें भी एज जो है वो 25 ईयर है एवरेज एज। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, यानी कि जो आपने स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया है उसी की बेस पे आप ये कहें कि पॉपुलेशन में भी, यानी कि पैरामीटर भी वही है। स्टैटिस्टिक्स यूज एज द बेसिस ऑफ एन एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए आप यूज किसको कर रहे हो, सैंपल की कैलकुलेशन को, यानी कि स्टैटिस्टिक को। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगली टेक्निकल टर्म। अब ये है कि हमने पॉपुलेशन के बारे में पहले से एक अजर्शन या अजम्पशन ले ली कि भाई पॉपुलेशन जो है उसमें 25 ईयर जो है वो एवरेज एज है। तो ये अजर्शन मैंने पॉपुलेशन के बारे में पहले ले ली। अब मैं क्या करूंगा, टेस्टिंग वेदर एन अजर्शन अबाउट अ पॉपुलेशन इज लाइकली आर नॉट सपोर्टेड बाय द सैंपल। तो अब मैं सैंपल सिलेक्ट करके चेक करूंगा कि मेरी अजर्शन ठीक है या गलत है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने बेसिकली करना क्या है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस डेवलप करना है, यानी कि पहले हम सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे और उसकी बेस पे पॉपुलेशन का मीन जो है उसके बारे में नतीजा अखज करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो अब सबसे पहली जो चीज है वो ये थी कि पैरामीटर क्या है और स्टैटिस्टिक क्या है। तो उसके बारे में जो फॉर्मूलाज हैं कि अगर हम सैंपल का मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, और अगर पॉपुलेशन का मीन है तो वो न्यू है। तो टेक्निकली इस चैप्टर में जहां पे न्यू आएगा वो बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन का मीन, और सैंपल का मीन क्या है, एक्स बार। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं क्योंकि ये स्टैटिस्टिक है, क्योंकि ये सैंपल की कैलकुलेशन है, और ये पैरामीटर है क्योंकि ये पॉपुलेशन की कैलकुलेशन है। अब अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है किसकी, सैंपल की, यानी कि स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, वेयर एक्स जो है वो आपकी वो डिजायर्ड वैल्यू है, एक्स बार ओवरऑल मीन है, उनका डिफरेंस लेके उसका स्क्वेयर लेना है और उसका सम लेके होल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, वेयर एन इज नंबर ऑफ इन द सैंपल। अगर आपने सैंपल में 10 लोगों को सिलेक्ट किया है तो एन 10 हो जाएगा, अगर आपने 100 लोगों को सिलेक्ट किया है तो एन 100 हो जाएगा। और अगर आप पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, समेशन एक्स माइनस न्यू, फर्क सिर्फ ये आया साइन चेंज हुआ, होल डिवाइडेड बाय एन, और एन क्या है, नंबर इन द पॉपुलेशन, यानी कि टोटल आबादी जो है, जैसे मीरपुर की सपोज जी 2.5 लाख आबादी है टोटल, तो एन क्या होगा, 2.5 लाख, लेकिन स्मॉल एन क्या है, जितना आपने सैंपल सिलेक्ट किया है, अगर आपने 100 लोगों को सिलेक्ट किया है तो एन 100 हो जाएगा। अब मसला ये है कि जिस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमने पहले डिस्कस की कि अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल की प्रोबेबिलिटी 0.5, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई 0.5 हेड में, 0.5 टेल में। इसी तरह से है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कि जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक दफा सैंपल सेलेक्ट किया तो उसमें से आपके, फॉर एग्जांपल आप सर्वे कर रहे हैं वेट का जी, एवरेज वेट लोगों का कितना है, अब पहले 10 लोग आपने सेलेक्ट किए तो एवरेज वेट जो है वो आपका फॉर एग्जांपल 40 kg आया, दूसरी दफा जो है आपने फिर 10 लोग सिलेक्ट किए तो एवरेज वेट जो है वो 40 kg आया, तीसरी दफा फिर 10 लोग सिलेक्ट किए तो एवरेज वेट जो है वो 35 kg आया,
चौथी दफा फिर सिलेक्ट किया 10 लोगों को, तो एवरेज वेट जो है वो 38 केजी आया। अब ये सारे एवरेज यानी कि मीन आपने कैलकुलेट किए। अब आप अगर उसी तरह से देखें डायग्राम, तो अब इन मीन का आप एक दफा पहले फिर मीन ले लें, तो इसका मतलब ये है कि 40 + 42 + 35 + 38, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 4, तो 82, 90, 120, 155 / 4, तो ये आ जाएगा आपके पास जी 38.25। तो आपके पास जो मीन है वो कितना है, मीन का मीन 38.25। अब दो वैल्यूज यानी कि 40 और 42 इससे अबव हैं, और 35 और 38 जो है इससे बिलो हैं। तो ये आपका सैंपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे कौन सा देखा, मीन, के मीन जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिलेक्टिंग फ्रॉम मैनी सैंपल्स। कितने सैंपल हमने सिलेक्ट किए थे, 4, तो उन 4 का फिर एक मीन लिया और फिर ये देखा कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टर्म विच रेफर्स टू करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल, यानी कि मीन इटसेल्फ जो है वो क्या है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि वो मीन का जो मीन है उससे मीन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलस्ट्रेशन देखते हैं जी। अब एक इन्वेस्टिगेटर है, इज इंटरेस्टेड इन एवरेज हाइट ऑफ मैन इन अ पॉपुलेशन। वही वाली बात जो मैंने की, ही कंस्ट्रक्ट सैंपल्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 100 मैन। वो एक दफा 100 देखता है, लेता है, फिर 100 लेता है, फिर 100 लेता है, फिर 100 लेता है, फिर 100 लेता है, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे 100 के वो बनाता है। एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच सैंपल। अब पहले सैंपल की मीन जो हाइट आई है जी वो फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं जी 5 फुट, दूसरे की आ गई है जी 5.5 फुट, तीसरे की आई है जी 4.9 फुट, एंड सो ऑन। तो हर एक पहले उसने सैंपल लिया और हर सैंपल से 100 लोगों की यानी कि सब की एज ऐड करेगा, उसको 100 को से डिवाइड करेगा, तो हर सैंपल की एक मीन हाइट आ जाएगी। अब वो क्या करेगा, वो जो मीन हाइट आई है उसके पास, द इन्वेस्टिगेटर देन हैज अ लिस्ट ऑफ मीन्स ऑफ द सैंपल। हर सैंपल का अगर उसने 10 सैंपल सिलेक्ट किए हैं, तो पहले सैंपल की मीन हाइट, दूसरे सैंपल की मीन हाइट, तीसरे सैंपल की मीन हाइट, चौथे की मीन हाइट, एंड सो ऑन। द मीन देमसेल्व्स फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो मीन जो है उनका फिर क्या करेगा, वो मीन लेगा यानी कि फिर एवरेज कैलकुलेट करेगा और वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाएगी। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट, यहाँ पे वो सिंगल एट्रीब्यूट क्या है, मीन टेकन फ्रॉम मैनी सैंपल इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह सैंपल के मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, भाई इसका इतने परसेंट चांस है, इसका इतने परसेंट चांस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्ड इन दिस इलस्ट्रेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। और हमारे सिलेबस में हम इसको मीन को ही देखेंगे, ओवरऑल भी मीन की बेस पे ही होता है, तो हम मीन की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं कि मीन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। A sampling distribution is a normal distribution. अब ये बात याद रखनी है, थ्योरी का MCQ आ जाएगा इससे, कि जो sampling distribution है वो normal distribution है, even if the population itself does not follow a normal distribution. It is symmetrical about its mean. वही वाली बात के आधा इधर, 0.5 इधर और 0.5 इधर। जब ए की शेप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। इवन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पॉपुलेशन बीइंग सैंपल्ड इज नॉट सिमेट्रिकल। वो कहता है पॉपुलेशन सिमेट्रिकल हो या ना हो,
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होगी. इट हैज द सेम मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल अदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे करेक्टरिस्टिक हैं वो इस पे अप्लाई होते हैं. अब सवाल यहां पे आ गया स्टैंडर्ड एरर का, जो मैंने बात स्टार्ट की थी कि जो मैंने सैंपल सिलेक्ट किया है उसकी बेस पे मैंने क्या करना है, एस्टीमेट लगाना है पॉपुलेशन का. भाई 100 बंदों में से 40 स्मोकर हैं, यानी कि 40% स्मोकर हैं. टोटल पॉपुलेशन है 20,000, तो 20,000 का 40% कितना बनता है जी, 8,000. तो मैंने कंक्लूजन ये ड्रा किया कि अगर 100 में से 40 बंदे स्मोकर हैं तो इट मींस दैट कि टोटल पॉपुलेशन यानी कि 20,000 में से 8,000 स्मोकर हैं. लेकिन देर में भी आ एरर. तो वो एरर क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जब आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये तो मीन वैल्यू आ गई 100, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो मीन से ज्यादा हैं, कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो मीन से कम हैं. तो वो जो डेविएशन थी, पहले हम क्या कह रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इधर 1-1 है, फिर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर इधर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टैंडर्ड एरर किसको कह रहे हैं कि अगर हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो वो क्या आता है, जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. और अगर हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, सिंपल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो उसको मैं सिंपली स्टैंडर्ड एरर कहूंगा. लेकिन अगर हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, के पहले मीन की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट की, यानी कि उसको प्रोबेबिलिटीज असाइन की और उसकी रेंज फाइंड की, उसकी अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. तो अब चूंकि हमने मीन की बेस पे कैलकुलेशन करनी है तो यहां पे हम इसी को आगे लेके जाएंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, जो कि फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट होता है. उन फार्मूलाज को एक दफा फिर लुक ले लेते हैं जी. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल थी और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन थी. तो सबसे पहला स्टेप फिर क्या हो गया कि अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करनी है तो जब तक मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होगी मैं स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट नहीं कर सकता. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का स्क्वायर रूट. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आती है 4 और मैंने जो सैंपल साइज सिलेक्ट किया है वो 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट तो 4 डिवाइडेड बाय 10, तो स्टैंडर्ड एरर कितनी आ जाएगी, 0.4. दूसरा ऑप्शन क्या है जी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का स्क्वायर रूट. तो अब हमने ये देखना होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन नहीं होगी तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल को यूज करेंगे.